नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको दिखाएंगे तेल्हार कुंड, और ये जो पानी चल रहा है आगे जाकर एक बड़े वाटरफॉल के रूप में गिरता है। और ये जो झरना है ये चारों तरफ देख सकते हैं, इसके घना जंगल है और घने जंगलों के बीच से ये बहता हुआ यह झरने का पानी, और काफ़ी विहंगम नज़ारा भी है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, हम आगे से चलेंगे और आपको दिखाएंगे जो कुंड है, काफ़ी गहरा कुंड है और जो झरने का पानी है वहीं पर ये सब जाकर गिरता है। और इसका जो द्वार है, हम थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे तो हमें वो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं और आपको ये पूरा तेल्हार कुंड दिखाते हैं, जो कि बिहार के सबसे सुंदर झरनों में से एक अब ये जाना जाता है। ठीक मेरे सामने दोस्तों आप देख रहे हैं, यही है तेल्हार कुंड जलप्रपात का ये गेट, और काफ़ी सुंदर ढंग से इसे बनाया गया है। जो तेल्हार कुंड है इसे इको टूरिज्म के तहत इसे डेवलप किया जा रहा है, और देख सकते हैं यहाँ पर गेट भी लगाया हुआ है, और एक तरफ यहाँ पर एंट्री भी होती है, लेकिन इस समय यहाँ पर पर्यटक बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि ये जो झरना है ये एक बरसाती झरना है। बरसात के दिनों में ही यहाँ पर झरने का पानी गिरता रहता है। अगर आप नवंबर दिसंबर या जनवरी के महीने में आते हैं तो शायद आपको यहाँ पर यह झरने का पानी देखने को नहीं मिलेगा। ये जुलाई महीने से लेकर आपका ये अक्टूबर तक अच्छा खासा पानी गिरता है, उसके बाद बहुत नॉर्मली पानी गिरने लगता है, और दिसंबर जनवरी आते आते तो एकदम ना के बराबर हो जाता है। तो चलिए आपको ये तेल्हार कुंड दिखाते हैं, जो कि बहुत अच्छे ढंग से इसका गेट इसका बनाया गया है, जो एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से ये जो रास्ता है सीधे आपका तेल्हार कुंड वाटरफॉल की तरफ चला जाएगा, जो कि काफ़ी गहरा वो झरना भी है। तेल्हार कुंड जो गेट था दोस्तों झरने वाला, वहाँ से जब आएंगे तो आपका यहाँ पर ये पार्किंग का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर टू व्हीलर फोर व्हीलर सभी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ा होती है, और यहाँ पर दो कमरों का ये बैरक बनाया गया है वन विभाग द्वारा, तो ये काफ़ी अच्छा स्पेस है। यहाँ पर टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों गाड़ियाँ आसानी से खड़ी हो जाएंगी। और वहाँ सामने देख रहे हैं वहाँ झरने का पानी आगे कुंड की तरफ वो जा रहा है। तो चलिए अब हम कुंड की तरफ ले चलते हैं, जहाँ झरने का पानी उस कुंड में गिर रहा है। यहाँ के बाद टू व्हीलर फोर व्हीलर गाड़ी आगे नहीं जाएंगी, यहीं पर आपको पार्किंग में गाड़ी खड़ा करके आगे की तरफ पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलिए आपको अब हम तेल्हार कुंड झरना दिखाते हैं, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर डेवलप किया गया है। और ये जो झरना है ये बिहार के सबसे पसंदीदा स्थलों में भी अब ये बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बरसात के दिनों में काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये झरने के पास ये बैठने के लिए काफ़ी अच्छा ये ब्रेंच बनाया गया है, जो कि बहुत ही ये खूबसूरत लग रहा है। और इसके एक साइड में भी देख सकते हैं ये लोहे की रेलिंग लगाई गई है, ताकि कोई हादसा ना हो। जब मैं 2018 में यहाँ पर आया था तो ये सब लोहे की रेलिंग नहीं लगा था, ऐसे ही लोग आते जाते थे और झरने को देखते थे। तो जब आप यहाँ पर आएंगे इस टाइम तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कुछ यहाँ पर डेवलप हो चुका है, और यहाँ पर एक ऊपर छाते की तरह ये बनाया गया है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, आपको धूप भी नहीं लगेगी। तो काफ़ी सुंदर ढंग से इस तेल्हार कुंड को डेवलप किया गया है, और ये जो ये लोहे की रेलिंग लगाई गई है ये भी पहले नहीं लगा था। तो काफ़ी कुछ यहाँ तेल्हार कुंड में हो गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर ये झरने का पानी गिरता हुआ। हम दोस्तों आगे की तरफ चलेंगे, आगे से ये पूरी तरह से अच्छे ढंग से दिखेगा। और यहाँ पर ये डस्टबिन भी लगाया गया है, यहाँ पर जो प्लास्टिक वगैरह है यहाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर आप यहाँ पर कोई भी अगर गंदगी करते हैं तो शायद आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ भी है तो इस आप डस्टबिन में डाल दीजिए। और ये रेलिंग जो कि आगे एकदम झरने की तरफ गया हुआ है, और एक तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पर मुझे दिख रहा है कैंटीन भी बना हुआ है। तो अभी तो दोस्तों इस समय खुला नहीं है, क्योंकि सीज़न ऑफ चल रहा है। अब चलते हैं दोस्तों हम कुंड की तरफ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं तेल्हार कुंड जलप्रपात के पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण, माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर वो शिलान्यास यहाँ पर दिया गया उनका, और एक और बना है ये लोगों को बैठने के लिए ये जगह।
और इसके एक साइड में देख सकते हैं एक तरफ कैंटीन है, एक तरफ टॉयलेट है, शौचालय। फाइनली दोस्तों हम तेल्हार कुंड जो झरना है वहाँ हम पहुँच चुके हैं। यही वो पॉइंट है जहाँ से पूरा तेल्हार कुंड का व्यू दिखेगा। और एक तरफ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बैठने के लिए ये सब जगह जगह वन विभाग द्वारा बनाया गया है। जो तेल्हार कुंड है इसे इको टूरिज्म के तहत इसे विकसित किया जा रहा है। और एक तरफ आइए आपको दिखाते हैं ये तेल्हार कुंड जो कि सैकड़ों फीट की ऊँचाई से ये गिरता हुआ ये झरने का ये बहुत ही विहंगम दृश्य है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी ये भयानक भी लग रहा है। और यही वो पॉइंट है जहाँ से आपको तेल्हार कुंड झरने का पूरा अच्छा से आपको यह दृश्य देखने को मिल जाएगा। आज से जब मैं 6 साल पहले आया था सन 2018 में तो ये जो लोहे की रेलिंग लगाई गई है ये सब पहले नहीं लगा था, लेकिन बिहार सरकार ने इसे इको टूरिज्म के तहत इसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलप करने का मन बना लिया। तो आज जब यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सेफ्टी की दृष्टि से यहाँ पर यह लोहे की रेलिंग लगाई गई है और लोगों को बैठने उठने के लिए यहाँ पर जगह जगह ब्रेंच और थारू हट की तरह बना हुआ कॉटेज भी बनाया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये है तेल्हार कुंड। ये काफ़ी ऊंचाई से ये पानी गिर रहा है और बिहार में आप कहीं भी चले जाएंगे यही इकलौता ऐसा वाटरफॉल है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से ये गिरने वाला पानी है। मैं बहुत सारे झरनों पर गया हूँ लेकिन इतना ऊंचाई से गिरता हुआ पानी कहीं भी हमने नहीं देखा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये जो झरना के नीचे पीछे एकदम गुफा की तरह भी ये गया हुआ एक रास्ता है, हो सकता है कि आगे कहीं ये जाता होगा। तो ये जो झरना है दोस्तों आप बरसात के दिनों में ही आप इसे देख सकते हैं, बाकी आप अगर आते हैं नवंबर दिसंबर या जनवरी के महीनों में तो शायद आपको इतना ज़्यादा पानी आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक बरसाती झरना है और बरसात के दिनों में ही ये पानी यहाँ पर गिरता है। और यहाँ से देखेंगे दोस्तों ध्यान से तो उस टाइप भी कॉटेज बनाया गया है, उस साइड से भी आप इस झरने को देख सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर बिहार सरकार द्वारा यहाँ पर की गई है। और ये जो पानी है पानी देख सकते हैं यही पानी आगे जाकर आपका जो जगदहवा बंधा है उसमें चला जाता है। और ये घाटी देख सकते हैं काफ़ी ये विहंगम ये घाटी है, काफ़ी खड़ी ये पहाड़ भी है और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई भी है। तो यही वो पॉइंट है दोस्तों, अगर आप आते हैं बिहार में तो जो तेल्हार कुंड है आप ज़रूर आइए। तेल्हार कुंड आज के डेट में बिहार का सबसे पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है। पहले यह सब कुछ भी नहीं था दोस्तों, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए बैठने के लिए ब्रेंच बनाया गया है और यहाँ पर यह कॉटेज बनाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ पर्यटक लोग आए थे, यहाँ पर बैठे थे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोग अगर बिहार घूमना चाहते हैं तो एक बार तेल्हार कुंड भी ज़रूर आइए। यह जगह बहुत ही रमणीय स्थल है। पहले यहाँ पर जब कुछ नहीं था तो पर्यटक बहुत कम आते थे, लेकिन इसके बन जाने के बाद बारिश के दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। अभी हालांकि ये बारिश का सीज़न नहीं चल रहा है इसलिए पर्यटकों की संख्या भी बहुत कम है। तो यही था दोस्तों तेल्हार कुंड। और यहाँ से देख सकते हैं ये काफ़ी सुंदर ढंग से इसे बनाया गया है बैठने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप आते हैं तो आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर शौचालय की भी व्यवस्था है, कैंटीन भी है, पानी की भी व्यवस्था आपको मिली जाएगी। और इतना खूबसूरत ये जगह जो भी अपने आँखों में कैद करना चाहेगा वो आकर कैद कर सकता है। मुझे लगता है कि अगर आप लोग एक बार इस तेल्हार कुंड झरने को देख लेंगे तो आप लोगों का यहाँ पर बार बार आने का मन करेगा। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ और अब सिर्फ आपके लिए यहाँ पर दोस्तों आता रहता हूँ ऐसे जगहों पर। यही वो जगह है जहाँ पर मैं आज से 6 साल पहले वीडियो बनाने के लिए आया था। हालांकि मैं यहां पर पहली बार सन 2016 में भी एक बार आया था, लेकिन ब्लॉग बनाने के लिए मैं 2018 में यहां पर पहली बार मैं यहां पर आया था। इसी जगह पर मैं बैठा था और यहीं से बैठकर मैं वीडियो बना रहा था, फ़ोटो ले रहा था और यहीं से इस झरने को काफ़ी टाइम तक मैं निहार भी रहा था। आज मैं इसे दोबारा देख कर मेरा दिल बहुत प्रसन्न है और मैं आने वाले भविष्य में भी मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा और अपनी फैमिली के साथ भी आऊँगा क्योंकि ये जगह मुझे बहुत ही पसंद लगता है, क्योंकि ये जो जगह है पूरी तरह से नेचर्स के बीच में है। अब यहाँ पर आएंगे तो आपको इस झरने के साथ साथ आपको प्रकृति का भी आनंद मिलेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।